इंदौर के नवनिर्वाचित कलेक्टर इलैया राजा टी ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए इंदौर के एमटीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल परिसर में गंदगी मिलने पर उक्त जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। परिसर में फैली गंदगी से नाराज होकर कलेक्टर ने सफाई एजेंसी पर तत्काल 25,000 रुपए की पेनल्टी भी लगा दी। इसके अलावा अस्पताल परिसर में सुरक्षा के खराब इंतजाम देखकर कलेक्टर ने सुरक्षा एजेंसी पर भी तत्काल 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों के हाल भी जाने। उस दौरान कई मरीजों ने बताया कि ब्लड की जांच के लिए उन्हें ब्लड सैंपल लेकर खुद एमवाई अस्पताल जाना पड़ता है, जिससे कई मरीजों को दिक्कत होती है। इसके बाद कलेक्टर ने ब्लड सैंपल्स को एमवाई अस्पताल पहुंचाने के लिए रनर की नियुक्ति के भी तुरंत आदेश दे दिए। आपको बता दें कि एमटीएस अस्पताल परिसर से एमवाई अस्पताल की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। वहीं नवनिर्वाचित कलेक्टर इलैया राजा टी ने शनिवार को एमटीएच अस्पताल के अलावा सिटी बस ऑफिस और बाकी कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनका सख्त रवैया लोगों को देखने को मिला है। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए काफी गुंजाइश है, हमेशा स्कोप रहती है। मुझे लग रहा है वो नया अभी आफ्टर कोविड शुरू हो रही है। 450 बेडेड हॉस्पिटल है, मेटरनल हेल्थ केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ इंदौर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, इसके साथ साथ हो सकता है कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी ना रेफर होकर यहाँ आ रहे होंगे। अभी ना फुल फंक्शनैलिटी में नहीं है, जैसे कि अभी लैब की व्यवस्था है वो अभी हम लोग एमवाई से डिपेंडेंट है, बट उसके लिए कंसल्टेंट लैब टेक्नीशियंस ऑलरेडी अपॉइंटेड है, तो उनको वापस ना यहाँ पदस्थ करने के लिए भी डायरेक्शन दिया है, सो दैट यहाँ की लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए व्यवस्था है ना शुरू कर सकें। उसके साथ साथ है ना ब्लड बैंक है वो अभी एमवाई से जाना पड़ रहा है। ब्लड स्टोरेज रूम होल्ड ब्लड के लिए यहाँ है, बट कंपोनेंट के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है। तो एक जांच के लिए मतलब इन्हें एक रनर की व्यवस्था किया गया है। कोई भी चीज़ें जांच होना है, सिंस लेबोरेटरी यहाँ नहीं है, जब तक लेबोरेटरी एस्टैब्लिश नहीं होगी जब तक रेदर देन अटेंडेंट के हाथ में ना देकर हमारी वो स्टाफ रखेंगे। पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट है ना कलेक्शन सेंटर होगा, वहाँ से उनको रनर कहलाया जाएगा, वो लैब तक लेके जाएगा, उनकी रिपोर्ट है ना प्राप्त करके वापस यहाँ आके देगा। तो डायरेक्टली कोई भी अटेंडेंट को मतलब है ना कोई चीज़ों को ढूंढना ना पड़े, अव्यवस्था है ना हो, इसके लेकर किया है। जल्दी ही है ना ब्लड बैंक की ना कॉम्पोनेंट का भी लाइसेंस ना प्राप्त करके फुल फ्लज्ड है ना ब्लड बैंक एस्टैब्लिश करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। लिफ्ट का इशू है, 4 लिफ्ट है, 1 लिफ्ट चालू है, मतलब इमीडिएटली 2-3 और लिफ्ट भी है ना करने के लिए बोला है। उसके अलावा एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है लिफ्ट का करना चाहिए, उसको लेकर प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक है ना हो जाएगा। ओवरऑल क्लीनलीनेस हाउसकीपिंग के लेकर भी है ना इशूज हैं, उसको भी डायरेक्शन दिया। आज दोनों एजेंसी है, सुरक्षा और सफाई की एजेंसी है, उन दोनों के ऊपर जुर्माना लगाने के लिए भी डायरेक्शन दिए हैं, 25,000 और 10,000। एटीट्यूड व्यवहार है आम नागरिक के साथ, पेशेंट्स का अटेंडेंट के साथ हम अच्छे करेंगे तो अटेंडेंट से सहयोग भी मिलेगा। फिर डूज एंड डोंट्स भी हम लोग बता देंगे, अटेंडेंस क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। मुझे लगा इसके लेकर साइट की ऑफिशियल्स के भी ऊपर भी बात किया गया, उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार है ना करने के लिए डायरेक्शन दिया है। ICU को है ना इम्प्रूव करने के लिए भी है ना डायरेक्शन दिया है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है और डेली बेसिस पे हम लोगों ने बोला कि इसको लगातार है ना मॉनिटरिंग करेंगे, जब तक व्यवस्था है ना सुधार नहीं होती है तब तक है ना हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, ऐसे टीम वर्क करेंगे कि डॉक्टर्स है ना एडमिनिस्ट्रेशन नगर निगम को भी कुछ सपोर्ट की जरूरत है, वहाँ की यातायात थाना है उससे भी है ना हमको सपोर्ट की जरूरत है, कुछ बिल्डिंग्स है प्रोटोकॉल टाइप का है अंदर है, दूसरे लोगों के साथ है ना कोऑर्डिनेट करके करना है, पीछे एंक्रोचमेंट है उसको हटा करके बाउंड्री वाले ना कंप्लीट करना है। आज की निरीक्षण में इस तरह पॉइंट्स आएंगे, हम लोग इसको मिनिटाइज किए हैं, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। डेफिनेटली ये एक्चुअली राज्य स्तरीय ना प्रोग्राम है, मतलब इंदौर को बाकी हर बार है ना हम लोग इस प्रोग्राम को ना यहाँ आयोजित कर रहा है, मतलब लार्ज लेवल पे आदिवासी जन नायक है उनके ना सम्मान के ना ये कार्यक्रम है, उसके लेकर है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कितने भी है ना तैयारी है ना वो पूरा तैयारी कर ली गई है, जैसे कि अभी हम लोग है ना मंच पे खड़े हैं, लोगों को ना बैठने के लिए प्रॉपर है ना स्ट्रक्चर जैसे व्यवस्था है ना की है, और LEDs भी ना लगा रहा है, मतलब बाहर के LEDs लगा रहा है, मतलब ना लोग ना देख सके। इसके साथ साथ है ना गवर्नमेंट की स्कीम से अभी है ना काफ़ी अच्छे तरीके से ना हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें पीसा एक्ट है कानून है नया आया है उसका प्रावधान के लेकर सभी तरीके से भी है ना लोगों को ना प्रदर्शनी टाइप का ना चीज़ें लगाया गया है। इसके साथ साथ है ना लोग जब आते हैं उनका ना बसेस की व्यवस्था, उनकी खाने पीने की ना व्यवस्था, और यहाँ है ना बंदाल पे ना उनके ना पानी की व्यवस्था, इसके अलावा मतलब हम लोगों ने इमरजेंसी ना मैनेजमेंट प्लान भी बनाए हैं, उनका हेल्थ मूवमेंट प्लान भी बनाए हैं,
लोगों के ना कोई चीज़ रहती है मतलब हम कैसे अटेंड करें फायर सेफ्टी से लेकर पूरी क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाए हर सेक्टर में, एक एक ना सेक्टर मजिस्ट्रेट जैसे हम लोग नियुक्त करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना रखेंगे हर सेक्टर में। इसी प्रकार का हम लोगों ने टोटल 22 सेक्टर्स है ना पूरी बंगाल में आइडेंटिफाई किए हैं, उनका आज 2:30 बजे ना ब्रीफिंग भी रखा है। ओवरऑल इसके अलावा हमारी पाताल पानी और भवर कुआ दो जगह है ना और कार्यक्रम है। पाताल पानी में भी सारी व्यवस्था है ना कर ली गई है एंड भवर कुआ में मूर्ति का है ना अनावरण होगा उसके लेकर भी हम लोग तैयारी। कितना क्राउड 90,000 के ना ऊपर है ना क्राउड, 90,000 तो सीधे सीधे प्लान करके मतलब है ना बसेस लगा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं ना रैली के माध्यम से भी है ना लोग आएंगे, मुझे लग रहा है 1 लाख के आसपास ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती रहेगी डेफिनेटली। हमारी ना ADM डायरेक्टली ना इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कल कमिश्नर महोदय द्वारा और कमिश्नर पुलिस महोदय द्वारा भी ना पूरी सभी डिस्ट्रिक्ट को भी ना मीटिंग लिया गया है। हमारी बिचोली खपती और दो बाईपास बंदा ना उसके माध्यम से ना किस प्रकार का गुराडी खेड़ा दो बाईपास के माध्यम से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ना कौन सी बसेस किस बाईपास के माध्यम से ना शहर के अंदर गुजरेगी वो पूरी है ना रूट चार्ट ऑलरेडी सभी डिस्ट्रिक्ट से शेयर किया हुआ है। इसके अलावा पार्किंग के लिए मतलब बहुत सारे जगह चिन्हित किए गए हैं, मतलब मुंबई से लेकर एग्रीकल्चरल कॉलेज उनके लिए बात करके काफ़ी लैंड ने आइडेंटिफाई किया। कुछ बसेस को हम लोग ना सड़क के किनारे ना प्रॉपर सही तरीके से पार्किंग करने के लिए व्यवस्था की है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैफिक रेवेन्यू नगर निगम है ना सभी टीमें इसमें लगे हुए हैं, जब भी कोई भी आए उसका असुविधा ना हो उस प्रकार का ट्रैफिक प्लान रखेगा और वो ट्रैफिक प्लान हम लोग ना पब्लिश भी करेंगे आज भी ना कुछ हुआ था मीडिया में भी शेयर करेंगे सो दैट नॉर्मल पब्लिक है सिटी का उनको भी ना असुविधा ना हो।